डिशेस कुकिंग एंड बेकिंग क्लासेस कोलकाता। तो आज मैं आपको दिखाऊंगी चिकन शवारमा रोल। तो ये बहुत ही टेम्पटिंग है और बहुत डिलीशियस है। तो इस थोड़ा सा आज का जो वीडियो है थोड़ा सा लेंथी होगा, क्योंकि पार्ट पार्ट हम दिखाते जाएंगे। इस का बहुत पार्ट है इस शवारमा रोल का। तो पहले मैं डो बनाऊंगी, क्योंकि शवारमा रोल के लिए जो डो बनता है उसको पिटा ब्रेड बोलते हैं। नॉर्मल जो रोटी होता है उससे नहीं बनता ये शवारमा रोल का। जो रैपिंग होगा जिस रोटी से, उसको पिटा ब्रेड बोलते हैं। ठीक है, तो पिटा ब्रेड बनाने का एक ऑथेंटिक तरीका होता है। तो पहले मैं डो बनाऊंगी पिटा ब्रेड के लिए। ठीक है, तो उस ब्रेड से शवारमा रोल बनेगा। तो देखिए, मैंने इधर में 250 ग्राम मैदा ले लिया है। ये नॉर्मल जो मैदा है ये मैंने 250 ग्राम ले लिया है। बीच बीच में आपका अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो मुझे। तो ये मैंने 250 ग्राम मैदा ले लिया है, और 250 ग्राम मैदे के साथ जाएगा ये देखिए एक्टिव ड्राइस्ट बोलते हैं इसको। ये आपको मार्केट में मिल जाएगा, इसको बोलते हैं एक्टिव ड्राइस्ट। देखिए ये खसखस की तरह दिखता है। ठीक है, और इसको आपको फ्रिज में स्टोर करना पड़ेगा एयरटाइट कंटेनर में। ऐसे करके आप नॉर्मल फ्रिज में इसको स्टोर कीजिएगा। तो 250 ग्राम मैदे के लिए लगेगा 2 टेस्पून जैसा एक्टिव ड्राइस्ट। ठीक है, तो मैंने मैदा ले लिया है 250 ग्राम, इसके अंदर मैं डाल दूंगी 2 टेस्पून एक्टिव ड्राइस्ट। तो देखिए ये गया है 1 टीस्पून एंड ये गया है 2 टीस्पून। ठीक है, अगर आपको 500 ग्राम मैदे से डो बनाना है तो इसका क्वांटिटी ज्यादा होगा। मतलब कि 500 ग्राम मैदे से अगर आप बनाओगे तो 4 टीस्पून ईस्ट जाएगा इसमें। ठीक है, तो मैं स्मॉल क्वांटिटी में बना रही हूँ। 250 ग्राम मैदा मैंने ले लिया है। ओके, और इसके अंदर जाएगा 2 टीस्पून शुगर। 2 टीस्पून शुगर मैंने डाल दिया है। अब इसमें जाएगा ल्यूकवार्म वाटर। तो ल्यूकवार्म वाटर से आपको डो बनाना पड़ेगा। ऐसा वाटर होना चाहिए जी, अगर आप इसमें उंगली डुबाओ तो आपको सहन हो सके। इतना सा गर्म होना चाहिए पानी को। ठीक है, और इसके अंदर जाएगा 1 टेबलस्पून मिल्क पाउडर। देखिए मैंने अमूल स्प्रे यूज किया है इसमें। अमूल कंपनी का जो मिल्क पाउडर आता है वो मैं इसमें डालूंगी। आप चाहो तो कोई भी कंपनी का मिल्क पाउडर यूज कर सकते हो, लेकिन इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो मैंने इसमें 1 टेबलस्पून जैसा डाल दिया है मिल्क पाउडर। ओके, और इसमें जाएगा ल्यूकवार्म वाटर। तो पानी आपको धीरे धीरे डालना पड़ेगा। पहले मैं डो बना रही हूँ इसीलिए, क्योंकि डो को फर्मेंटेशन के लिए मुझे 1 घंटा भिगो के रखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको मैंने अच्छे से मिला लिया है। अब मैं इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके पानी डालती जाऊंगी। मैंने थोड़ा सा डाला है, एक साथ पूरा पानी मत डालिएगा, तो उसमें क्या होगा डो ना बहुत ढीला पड़ जाएगा। तो मुझे सॉफ्ट डो चाहिए, लेकिन स्टिकी होना नहीं चाहिए इस डो को। सॉफ्ट बनेगा डो लेकिन स्टिकी नहीं बनेगा। और एक बात, ये डो बना के आप पहले से रख सकते हो, आपको पहले ही रखना पड़ेगा 1 घंटे के लिए। और इस डो से जो आप रोटी बनाओगे जिसको पिटा ब्रेड बोलते हैं, ये रोटी बना के आप फ्रिज में एयर टाइट करके 7 दिन, मतलब कि 1 वीक तक आप इसको स्टोर कर सकते हो। ठीक है, शवारमा रोल का पिटा ब्रेड एंड जो अंदर का जो फिलिंग आएगा चिकन का, ये बना के आप फ्रिज में स्टोर कर सकते हो। और जब भी आपको ऑर्डर आए या तो आपको खाने का मन करे तो फ्रिज से डायरेक्ट निकाल के आप रोटी के अंदर स्टफिंग डाल के गरम करके खा सकते हो। तो थोड़ा सा प्रेशर देके इस डो को बनाना पड़ेगा। देखिए एक साथ बहुत पानी मत डालिएगा, थोड़ा थोड़ा करके डालते जाइए और इसको ऐसे करके लीड करते जाइए।
ये देखिए। अगर आपके पास डो मेकर हो तो और अच्छा है, तो जल्दी बन जाएगा, लेकिन सबके पास नहीं होता है इसलिए मैंने हाथ से ही दिखा रही हूँ। ठीक है, देखिए अभी ये स्टिकी है और इसमें स्मूथनेस भी नहीं आया है, देखिए ये बहुत रफ है। तो अब मैं इसी कंडीशन में इसमें क्या डालूंगी, वन पिंच जैसा सॉल्ट मैं डालूंगी इसमें। कोई कोई क्या करता है, पिटा ब्रेड जो बनाने के लिए, शॉर्मा रोल के लिए जो पिटा ब्रेड बनता है, इसके अंदर बेकिंग पाउडर डालते हैं। लेकिन अब एक्टिव ड्राइड से बनाओ तो इसका टेक्सचर बहुत अच्छा आता है और रेस्टोरेंट में ड्राई इससे ही इसका डो बनता है, बेकिंग पाउडर से उतना अच्छा टेक्सचर नहीं आता है। देखिए इसी कंडीशन में मैं इसमें डाल दूंगी 2 टेबलस्पून जैसा व्हाइट ऑयल। मैंने 1 टेबलस्पून जैसा पहले डाला है, उसके बाद मैं इसको नीट कर लूंगी, फिर मैं इसके अंदर और 1 टेबलस्पून डालूंगी। डो को जब आप नीट करोगे उसके बीच में आपको सॉल्ट डालना पड़ेगा एंड ऑयल। सॉल्ट एंड ऑयल आप पहले से अगर डालोगे तो ये फर्मेंटेशन नहीं होगा। थोड़ा टाइम नीट करने के बाद आपको इसमें ऑयल एंड सॉल्ट डालना पड़ेगा। तो देखिए इसमें मैं और थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी क्योंकि मुझे और थोड़ा सा सॉफ्ट डो चाहिए। थोड़ा सा मैंने डाल दिया है, 1/2 टीस्पून जैसा। ठीक है, इसमें मैं फिर से 1 टेबलस्पून व्हाइट ऑयल ऐड कर दिया है। किसी को अगर कुछ प्रॉब्लम हो समझने में तो मुझे क्वेश्चन कीजिए। पहले मैं 1 टेबलस्पून डाला था, उसके बाद थोड़ा सा नीट किया मैंने, उसके बाद फिर से मैंने 1 टेबलस्पून डाल दिया है इसमें। तो मुझे और थोड़ा सा सॉफ्ट डो चाहिए, तो मैं क्या करूंगी, इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी फिर से। देखिए मैं 1/2 टीस्पून करते हुए पानी डाल रही हूँ, बहुत ज्यादा नहीं डाल रही हूँ मैं। ठीक है, तो ऐसे नीट करते करते ना इसका स्टिकीनेस आपको निकालना पड़ेगा। तो मैंने 2 टेबलस्पून व्हाइट ऑयल इसमें डाल दिया है, अब मैं थोड़ा सा हाथ में लगा लूंगी ऑयल को। ये देखिए थोड़ा सा मैंने हाथ में लगा लिया है, 2 बूंद। देखिए धीरे धीरे स्मूथ होता जा रहा है, ये देखिए इसका टेक्सचर देखिए, एकदम इलस्ट्रेशन आ गया है इसमें, ये देखिए। ठीक है, अब इसमें स्टिकीनेस नहीं है, हाथ पे भी नहीं लग रहा है मेरा। तो ऐसा होना चाहिए टेक्सचर, बोल भी मेरा साफ हो गया है और हाथ में भी नहीं लगा है, देखिए हाथ भी साफ हो गया है। तो ये डो हमारा बन गया है। तो डो को क्या करना पड़ेगा, 1 घंटे के लिए इसको व्हाइट ऑयल एंड गरम पानी अपने हिसाब से मिक्स करना है। व्हाइट ऑयल आपको 250 ग्राम मैदे में व्हाइट ऑयल जाएगा 2 टेबलस्पून एंड पानी थोड़ा थोड़ा करके डालते जाइए, जब तक ऐसा कंसिस्टेंसी नहीं आए तब तक थोड़ा थोड़ा करके डालते जाइए। ठीक है, देखिए
देखिए कितना स्मूथ आ गया है और इसमें देखिए कितना इलस्ट्रेशन भी आ गया है, हाथ में भी नहीं चिपक रहा है। देखिए ठीक है, तो देखिए इसको मैं एक घंटे के लिए रख दूंगी तो ये फुल के डबल हो जाएगा। ये देखिए तो ऐसे मैंने रख दिया है। आपको इस डो को कोई डीप बोल में ही रखना पड़ेगा, अगर डीप बोल ना होगा तो क्या होगा, ये फुल के जब डबल हो जाएगा ना तो ये गिर जाएगा, तो इसको थोड़ा सा चिकना करना पड़ेगा। मैं इसके ऊपर 2 ड्रॉप्स व्हाइट ऑयल लगा लिया है और इसको ऐसे ऊपर में मैंने इसको ग्रीस कर लिया है। देखिए ये चिकना हो गया है, तो अब मैं इसको फुल कवर करके रख दूंगी। फुल कवर करके एक घंटे के लिए रखना पड़ेगा। तो ऐसे मैं ढक्कन से इसको ढक के एक घंटे के लिए रख दूंगी। ठीक है, तो इस डो से फिर मैं पिटा ब्रेड कैसे बनते हैं, शॉर्मा रोल का रैपिंग वो दिखाऊंगी। तो इसको मैं साइड में रख देती हूँ अभी। चिकन जो बनेगा ना मैरिनेशन दिखाऊंगी मैं अभी। ठीक है, तो चिकन के मैरिनेशन के लिए जो जो चीज लगेगा पहले मैं वो दिखाऊंगी। तो ये देखिए, तो पहले चिकन का मैरिनेशन करना पड़ेगा। मैरिनेशन करके इसको 30 मिनट्स तक आपको रखना पड़ेगा फ्रिज में। तो पहले मैं एक बोल ले लिया है, अब देखिए क्या क्या लगेगा। मैंने इधर में 250 ग्राम चिकन ले लिया है और चिकन के साथ मैरिनेशन का मसाला लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो जितना सारा मसाला है मैं एक एक करके आपको बताऊंगी। ये है हल्दी पाउडर, टर्मरिक पाउडर 1/2 टीस्पून, रेड चिली पाउडर 1/2 टीस्पून, कश्मीरी रेड चिली पाउडर 1/2 टीस्पून, ब्लैक पेपर पाउडर 1/2 टीस्पून, कोरिएंडर पाउडर 1/2 टीस्पून, जीरा पाउडर 1/2 टीस्पून एंड गरम मसाला पाउडर 1/2 टीस्पून। और मैंने दही ले लिया है, दही जाएगा, दही भी मैंने ले लिया है, दही गया है 2 टेबलस्पून। ठीक है, और गया है व्हाइट ऑयल लगेगा 2 टेबलस्पून एंड सॉल्ट जाएगा अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। तो पहले मैं एक बोल ले लिया और देखिए चिकन का पीसेस आपको कैसे करना पड़ेगा। ये देखिए ऐसा पतला पतला करके आपको ब्रेस्ट पीस लेना पड़ेगा कट करके। आपने देखा ही होगा रेस्टोरेंट में कैसे बनता है शॉर्मा का चिकन, क्या करते हैं चिकन को थोड़ा सा और बड़ा पीसेस में कट कर लेते हैं वो लोग, और एक आयरन का रॉड आता है उसके मिडिल में इसको मैरिनेशन करके उसमें लगाया जाता है, और एक मशीन रहता है जो घूमता है और ये ग्रिलिंग होता जाता है। ठीक है, तो घर में जब आप बनाओगे तो वो पॉसिबल नहीं होता है, तो इसलिए इतना सा छोटा छोटा करके मैंने पतला पतला पीसेस में कट कर लिया है। ठीक है, और मैंने एक बोल ले लिया है, इसके अंदर मैं बैक टू बैक हर एक मसाला डालती जाऊंगी। और मैंने कद्दूकस कर लिया है लहसुन एंड अदरक को, ये गया है 1 टेबलस्पून। तो मैं एक एक करके हर एक मसाला डालती जाऊंगी। मैंने एंड ऑफ माय लाइव सेशन में
फेसबुक में डाल दूंगी क्वांटिटी, तो आपको समझ में आ जाएगा, तो आप नोट डाउन कर सकते हो। और ये मैंने लेमन जूस ले लिया है 1 टेबलस्पून। Is there any alternative for कद्दू? कद्दू नहीं लिया है मैंने, कद्दू कस करके लिया है। ये अदरक एंड लहसुन को जिंजर गार्लिक पेस्ट, ये है। और जाएगा व्हाइट ऑयल, हर एक प्रोपोर्शन में एंड ऑफ द माय वीडियो मैं इसमें डाल दूंगी फेसबुक में। इसको अच्छे से मिला लीजिए। देखिए ये अच्छे से मिक्स हो गया है। तो इसको क्या कहते हैं, शवारमा का जो चिकन है उसका मसाला बन गया है ये। ओके, रेस्टोरेंट में क्या करते हैं, इसमें रेड कलर डाल देते हैं, फूड कलर, लेकिन कलर जो है वो लीवर के लिए अच्छा नहीं होता है, तो इसलिए मैंने घर में बना रही हूँ तो मैंने कलर नहीं डाला है इसमें। ओके, तो एक एक करके मैं चिकन पीसेस इसमें डालूंगी। अच्छे से इसको कोट कीजिए। और इसको मैं मैरिनेट करके 1/2 घंटा फ्रिज में रख दूंगी, लेकिन लाइव सेशन में मैं उतना टाइम तक नहीं रख सकती, थोड़ा टाइम मैं रख देती हूँ। आप जब घर में बनाओगे तो 1/2 घंटा के लिए फ्रिज में रख दीजिएगा इसको, ठीक है। ये देखिए ये अच्छे से कोट हो गया है। ओके, तो अब मैं इसको साइड में रख देती हूँ और अब मैं बनाऊंगी गार्लिक सॉस। अब बनाऊंगी गार्लिक सॉस। इसमें मैं नमक डालना भूल गई थी, सॉल्ट आप अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट डाल सकते हैं इसमें, ठीक है। अच्छे से मिक्स कर दीजिए। अच्छा, जो मैंने दही डाले थे ना इसमें, ये हांग कट था, दही के अंदर अगर बहुत पानी होगा ना तो ये अच्छे से मैरिनेशन नहीं होगा, ठीक है, पानी पानी ज्यादा हो जाएगा, आपको हांग कट यूज करना पड़ेगा। तो इसको मैं साइड में रख देती हूँ। अब मैं दिखाऊंगी गार्लिक सॉस। तो देखिए गार्लिक सॉस में क्या क्या लगेगा, पहले मैं प्रोपोर्शन बता देती हूँ। मैंने हांग कर्ड ले लिया है, 3/4 कप हांग कर्ड। मेयोनीज, प्लेन मेयोनीज है, प्लेन मेयोनीज ले लिया है 2 टेबलस्पून। एंड मैंने 2 क्लोव्स गार्लिक को मैंने ऐसे करके ग्रेट कर लिया है। ओके, आप चाहो तो पेस्ट फॉर्म में भी डाल सकते हो। और मैंने लेमन जूस ले लिया है, लेमन जूस है 1 टेबलस्पून। और ये है रेड चिली सॉस, जो बहुत तीखा वाला सॉस आता है, ये है रेड चिली सॉस। ओके, तो इसको मैं अभी नहीं मिलाऊंगी, जब मैं शवारमा का रोल बनाऊंगी तब ये लगेगा। अब लगेगा हांग कर्ड, मेयोनीज एंड गार्लिक एंड लेमन जूस। ओके, तो मैंने एक बोल ले लिया है, इसके अंदर पहले मैं डाल दूंगी कर्ड,
बाद मेयोनीज, मैं इसमें सॉल्ट नहीं डालूंगी क्योंकि मेयोनीज के अंदर सॉल्ट रहता है, मैं सॉल्ट नहीं डालूंगी इसमें। उसके बाद मैंने डाला है गार्लिक को और जाएगा लेमन जूस। अब इसको अच्छे से मैं मिक्स कर लूंगी। ये सॉस बना के आप एयरटाइट कंटेनर में फ्रिज में 2 वीक्स तक रख सकते हो। तो ये देखिए गार्लिक सॉस बन गया है। ठीक है, ये गार्लिक सॉस हमारा रेडी हो गया है। इसको जब हम रोल बनाएंगे तो उसके अंदर इसको डालना पड़ेगा। ठीक है, तो ये गार्लिक सॉस हमारा रेडी हो गया है, इसको भी मैं साइड में रख देती हूँ। चिकन को कैसे आप रोस्ट करके वो दिखाऊंगी। तो चिकन तो मैं एक साथ 30 मिनट तक नहीं रख सकती हूँ, इसीलिए मैंने 5 मिनट ही रखा है इसमें। तो इसमें मैं अभी पैन में उसको रोस्ट करना है, तो कैसे आपको रोस्ट करना है वो दिखाऊंगी मैं अभी। तो देखिए पहले पैन को गरम करना पड़ेगा। इसमें मैं 2 टेबलस्पून ऑयल डाल दिया है। मीडियम हीट करना पड़ेगा। गरम करने के लिए छोड़ा है, देखिए मीडियम हीट करना पड़ेगा इसको, ऑयल को। तो ये मीडियम हीट हो गया है, अब मैं इसमें चिकन पीसेस डालूंगी। बैक टू बैक डालते जाइए और इसी कंडीशन में हमारा जो गैस है वो एकदम स्लो पर है, क्योंकि ज्यादा हाई हो जाएगा फ्लेम तो चिकन अंदर से कच्चा रह जाएगा। इसको एकदम स्लो फ्लेम पर आपको कुक करना पड़ेगा। ये जो प्रोसीजर है जो मैं पैन में दिखा रही हूँ,
वो क्या करते हैं, रेस्टोरेंट में वो एक मशीन होता है जो घूमता रहता है और उसके अंदर में ये रोस्ट होता जाता है। तो चिकन का आपको 15 से 20 मिनट तक कुक करना पड़ेगा। ढक्कन कीजिएगा तो ये जल्दी से हो जाएगा। मैंने ओपन करके कर रही हूँ तो आपको देखने में आसान हो जाएगा इसीलिए। ऐसा आप इनसाइड का फिलिंग बना के आप रख भी सकते हो फ्रिज में स्टोर करके। शॉर्मा रोल मार्केट में बहुत ही कॉस्टली मिलता है, लेकिन आप घर में बनाओगे तो फ्रेश भी बना सकते हो। जैसे मैं इधर में दिखा रही हूँ लाइव, वैसा ही प्री रिकॉर्डेड वीडियो दिया जाता है ऑनलाइन क्लास के लिए। तो आप कभी भी कहीं से भी ज्वाइन कर सकते हो बेफिक्र होके, वीडियो आपके पास ही रहेगा लाइफ टाइम के लिए। तो वैसे भी आप बहुत आराम से सीख सकते हो। मैरिनेशन आप 30 से 1 आवर तक कर सकते हो, लेकिन लाइव में उतना टाइम मैं मैरिनेशन नहीं करके रख सकती हूँ, इसीलिए मैंने इंस्टेंट दिखा रही हूँ। तो इसको कुक करने के लिए छोड़ते हैं। एक साइड हो जाने के बाद फ्लिप कर दीजिए।
मॉर्निंग में फिट ना जाए आपको कुक करना पड़ेगा। और ये डो देखिए फूल गया है, ये और भी फूलेगा, इसको मैं साइड में देती हूँ। ये अभी इतना तक फूला है, और भी फूलेगा। बस इस चिकन को बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, और बस उतना टाइम नहीं लगता है इसको। ये देखिए बर्निंग इफेक्ट आ गया है, देखिए आ रहा है इसमें। ये देखिए ये लगभग हो गया है, देखिए सॉफ्ट हो गया है चिकन, ये देखिए सॉफ्ट हो गया है। तो इसको मैं प्लेट में अलग करके रख दूंगी, और मैंने ओवन को बंद कर दिया है। ठीक है, तो इसको मैं ठंडा करने के लिए रख देती हूँ साइड में। अच्छा, अब मैं पीटा ब्रेड बनाऊंगी। तो देखिए मैंने ये पहले से जो डो बना के रखे थे वो कितना ज्यादा फूल गया है, क्योंकि एक घंटा हो गया है इसीलिए। और अब मैं आपके सामने जो डो बनाए थे ना, वो भी देखिए फूल गया है, ये थोड़ा सा और भी फूलेगा, फूल के इधर तक आएगा ये। ठीक है, फिर भी बहुत ही फूला है ये। तो अब मैं इससे मैं रोटी बनाऊंगी, जिसको पीटा ब्रेड बोलते हैं, वो कैसे आप बना के वो दिखाऊंगी अब मैं। रोटी बेलते हैं ना, वैसा ही सेम प्रोसीजर में आपको करना पड़ेगा। तो ये देखिए इसके अंदर में हवा आ गया है, ये फूल गया है। तो इसका जो हवा होता है ना, इस डालने से नहीं ये फूल जाता है, इसको फर्मेंटेशन बोलते हैं। तो इसके अंदर का जो हवा है वो निकालना पड़ेगा। इसको मैं एक घंटा रख देती तो ये और फूल जाता। ठीक है, तो ये देखिए इसके अंदर का जो हवा है वो मैं ऐसे करके निकाल दिया है। ओके, तो ये मैंने ज्यादा टाइम नहीं रखा है, इसीलिए कम फूला है। जो मैंने ज्यादा टाइम रखा था वो डो मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखिए टेक्सचर, ये ज्यादा फूल गया है। देखिए इसके अंदर में टेक्सचर देखिए, ऐसा नेट इफेक्ट आएगा, क्योंकि मैं इसको ज्यादा टाइम रख दिया था पहले से इसको डो बना के। तो मैं इससे जो पहले का जो डो है उससे मैं बनाऊंगी, तो टेक्सचर अच्छा होगा रोटी का, जो पीटा ब्रेड है उसका। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा मैंने मैदा लगा लिया है इसमें। रोटी का साइज आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप चाहो तो छोटा बना सकते हो, चाहो तो बड़ा बना सकते हो। 250 ग्राम मैदा है ये। ठीक है, तो इधर से मैंने ऐसे करके मैं बॉल बना लूंगी पहले।
ये देखिए 250 ग्राम मैदे से ना टिन बन जाता है आराम से। ये देखिए इक्वली मैंने बॉल बना लिया है। बॉल को देखिए ऐसे करके ना फिर इसको पीछे की तरफ मोड़ दीजिए ऐसे। ये देखिए ऐसा करके फिर पीछे की तरफ ऐसे करके मोड़ दीजिए। ये देखिए तो क्या होगा ऊपर में ना ऐसा स्मूथ आएगा। ठीक है ये देखिए फिर से मैं एक बॉल लूंगी और उसको क्या करना है थोड़ा सा हाथ में चिपकेगा तो थोड़ा सा मैदा लगा लीजिए ऐसा लीजिए और इसको पीछे की तरफ ऐसे मोड़ दीजिए। ये देखिए ऐसा ऊपर का सरफेस में स्मूथ आएगा। शॉर्मा रोल का रोटी बहुत ही अलग से बनता है इसको पीटा ब्रेड बोलते हैं। तो ये मैंने देखिए तीन मैंने लोई बना लिया है। अब मैं इसको रोल करूंगी। मैंने थोड़ा सा मैदा ले लिया है इसमें और इसको मैं रोल करूंगी। देखिए इसमें ईस्ट है तो ये अंदर की तरफ खींच रहा है इसमें ना इलास्टिकेशन आ गया है तो थोड़ा सा प्रेशर देके इसको करना पड़ेगा। बहुत पतला भी नहीं बनता रोटी बहुत मोटा भी नहीं बनता इसका जो रोटी है। मैं आपको थिकनेस दिखाऊंगी एकदम सामने से मैं दिखाऊंगी इसका थिकनेस। ये देखिए थिकनेस इसका ऐसा ही होगा इतना सा मोटा होगा। ये बहुत पतला भी नहीं और बहुत मोटा भी नहीं। ठीक है इतना सा। तो अब मैं इसको मैं पैन ले लूंगी। मैं एक पैन ले लूंगी। पैन में आपको ऑयल वगैरह कुछ नहीं डालना पड़ेगा बस पैन को मीडियम हीट कीजिए। मीडियम हीट करना पड़ेगा पैन को। मीडियम हीट हो गया है। अब देखिए इसको ऐसे करके रख दीजिए। अब फ्लेम मैं एकदम हाई में कर दिया है। देखिए ऊपर में बबल्स आ रहा है। मैं आपको एकदम पास से दिखाऊंगी। देखिए ऊपर में ऐसा बबल्स आ रहा है। देखिए देखिए बबल्स आ रहा है। मेरा फ्लेम एकदम हाई पर है। देखिए कितना बबल्स आ रहा है। जब बबल्स ऐसा आएगा तो इसको फ्लिप कर दीजिए ऐसे। जब आप इसको ना तावे पर इसको ऐसे करोगे ना तो ये थोड़ा सा और भी मोटा हो जाता है। ये देखिए तो अब मैं जब ये मार्क आ जाएगा रेड वाला तो मैं इसको फ्लिप कर दिया है। जब ऐसा मार्क आ जाएगा तो इसको एकदम स्लो कर दीजिएगा फ्लेम को। देखिए ये कितना नरम है और फोल्डेबल भी है तो ये शेक गया है और इसको नहीं करना पड़ेगा। ये देखिए ऐसा जब मार्क आ जाएगा थोड़ा सा तो इसको आप अलग से प्लेट में रख दीजिएगा। ओके
देखिए रोटी हमारा बन गया है। तो ऐसे करके मैं दूसरा भी बनाऊंगी। थोड़ा सा मैंने मैदा डस्टिंग कर लिया है इसमें। और इसको मैं रोल करूंगी फिर से। ईस्ट है अंदर में तो थोड़ा सा ये अंदर की तरफ खींचता है। थोड़ा सा आपको प्रेशर देके करना पड़ेगा। ये देखिए इसको भी आपको सेकना पड़ेगा। पहले हाई फ्लेम पर रखना पड़ेगा, उसके बाद फ्लेम आप स्लो कर दीजिएगा। जब तक आपको बबल्स नहीं आ जाए आपको ऐसे ही वेट करना पड़ेगा। देखिए बबल्स आना स्टार्ट हो गया है ऊपर में। अब इसको मैं फ्लिप कर दूंगी। ये देखिए मार्क भी आना स्टार्ट हो गया है इसमें। इसी कंडीशन में मैं इसको स्लो कर दूंगी फ्लेम को। ये जो पिटा ब्रेड है शॉर्मा रोल के लिए ज्यादा टाइम नहीं लगता इसको सेकने में। प्लेट में रख दूंगी निकाल के। ये देखिए तो ओवन का काम हमारा हो गया है। अब इसका असेंबलिंग करना पड़ेगा। अब इसका असेंबलिंग करूंगी मैं। तो मैं ओवन को पहले इससे हटा देती हूं। पहले असेंबलिंग करना पड़ेगा। तो देखिए ये जो मैंने चिकन लिया था ना इसको मैं पीसेस में कट करूंगी। ऐसे लंबा लंबा करके कट कीजिएगा ऐसा। ठीक है ऐसा लंबा करके आपको कट करना पड़ेगा। देखिए ऐसा लंबा करके कट कीजिएगा। शॉर्मा रोल में ऐसा ही होता है। ठीक है इसको जूलियन कट कहते हैं। तो इसको मैं साइड में रखती हूं। तो पहले जो मैंने गार्लिक सॉस बनाए थे उसको आप कैसे करोगे वो दिखाऊंगी। पहले मैं गार्लिक सॉस है और ये जो रेड चिली सॉस है। तो पहले मैंने एक रोटी ले लूंगी। तो मैंने एक रोटी ले लिया है और इसके अंदर में मैं इसको पहले लगाऊंगी। पहले मैंने गार्लिक सॉस ले लिया है। इसको अच्छे से स्प्रेड कर दीजिएगा।
मैं दोनों रोटी में ही लगा लेती हूँ एक साथ, तो काम करने में आसान हो जाएगा मेरा। ठीक है, तो मैंने अच्छे से लगा लिया है इसको। अब क्या करना पड़ेगा देखिए, मैंने ऐसा जो पाइपिंग बैग ले लिया, ये मार्केट में मिल जाता है, बेकरी का शॉप में मिलेगा ये पाइपिंग बैग, इसके अंदर में मैं इसको डालूंगी। गार्लिक सॉस जो है इसको मैं इसके अंदर में डाल दिया है। ठीक है, मैं डाल के मैं साइड में रख देती हूँ। फिर से मैंने एक पाइपिंग बैग ले लिया है, इसके अंदर में मैं ये जो रेड चिली सॉस है वो डालूंगी। ऐसा मैंने इसलिए किया है क्योंकि मैंने काम करने में आसान हो जाएगा इसीलिए। ठीक है, तो मैंने ये दो रोटी ले लिया है। अब इसके अंदर में मैं ये जो चिकन है शवरमा का वो रखूंगी, मिडिल में आपको रखना पड़ेगा। ओके, तो इसको मैंने रख दिया है ऐसे। अब इसमें मैं देखिए क्या डालूंगी, ये जो क्यूकम्बर है इसको भी मैंने जूलियन पीसेस में कट कर लिया है। थोड़ा सा क्यूकम्बर डाल दीजिए। अनियन थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा, बहुत ज्यादा अच्छा नहीं लगेगा। जो भी पीसेस करना है, जूलियन कट करना है, देखिए इसको बोलते हैं जूलियन कट, लंबा लंबा करके जो कट मैंने किया है इसको बोलते हैं जूलियन कटिंग। टोमेटो, अब देखिए ये जो मैंने पाइपिंग बैग के अंदर सॉस डाले थे ना, उसको क्या करना है, थोड़ा सा कट लगा लीजिएगा सामने से छोटा सा। ऐसे, ओके, तो आपको डालने में आसान होगा, ऐसे करके डाल दीजिए। आपके पास अगर सॉस की बॉटल होता है ना, वो अगर हो तो वो भी यूज कर सकते हो। और ये जो मैंने गार्लिक सॉस लिया है उसको भी सामने से मैं थोड़ा सा कट लगा लूंगी। ये देखिए, ठीक है, आप देखिए इसको रैप करना पड़ेगा। शवरमा रोल जो सेल करते हैं ना मार्केट में, वो लोग क्या करते हैं, ऐसे बटर पेपर यूज करते हैं जो मार्केट में मिल जाता है, ये हीट प्रूफ होता है बटर पेपर, तो शवरमा का रैपिंग बटर पेपर से ही किया जाता है। ठीक है, तो मैंने इसको देखिए क्या करूंगी, ऐसा पहले इसको रोल करना पड़ेगा। ये देखिए मैंने कर दिया है। अब क्या करना पड़ेगा, ऐसा रख दीजिए इसको और इसको अच्छे से इसको ऐसे कीजिए, बटर पेपर से ही करना पड़ेगा आपको। प्रोफेशनल लोग जो होते हैं वो बटर पेपर ही यूज करते हैं। पीछे से इसको ऐसे करके मोड़ दीजिए, ये देखिए ऐसे करके ही वो लोग देता है, ये देखिए। ये एक रेडी हो गया है, और मैं ये बनाऊंगी। इसको भी देखिए ऐसे रोल कीजिए। देखिए ब्रेड कितना सॉफ्ट है, बिल्कुल भी ब्रेक नहीं हो रहा है, ये पीटा ब्रेड जो है ना कितना सॉफ्ट है देखिए।
ये देखिए तो ये हमारा शॉर्मा रोल बनके रेडी हो गया है। ऐसे करके आप रख सकते हो। जब आपको गरम करना है तो तावे के ऊपर ऐसे रख दो, गरम तावे के ऊपर, या तो आप माइक्रोवेव में भी गरम करके सर्व कर सकते हो। तो ये हमारा देखिए शॉर्मा रोल एकदम रेडी हो गया है। तो ऐसे भी हमारा कोई भी ऑनलाइन क्लास आप ज्वाइन कर सकते हो। तो ज्वाइन करने के लिए हमें कॉल कीजिए या तो व्हाट्सएप कीजिए 8240605592 पर। और मैं कल भी रात 10 बजे में आऊंगी कोई और एक नया रेसिपी लेके। तो तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट।